एनएमएसीसी की रात सलमान खान और ऐश्वर्या दिखे एक साथ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सलमान खान और ऐश्वर्या राय को एक साथ देखकर फैंस के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह नीता अंबानी कल्चरल केंद्र के आयोजित लॉन्च के दौरान जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सितारों का मेला लगा था। इस मौके पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए। इस मौके पर का एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसे देखकर कुछ फैंस हैरान हैं तो कुछ बेहद ही ज्यादा खुश हैं। खुश होने वाली बात ही है, दरअसल बात ये है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी दिखी है एक साथ, वो भी इतने लंबे समय के बाद। दरअसल इस वीडियो में ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान एक साथ मिलकर पोज दे रहे हैं और बीच में खड़ी है आराध्या बच्चन। हालांकि ये तीनों मिलकर पैपराजीज को अलग अलग पोजेस देते हुए नजर आ रहे हैं और इनके बैकग्राउंड पे इनके फिल्म का गाना बजा दिया गया है। इससे पहले बता दें कि सलमान खान, आराध्या और ऐश्वर्या बच्चन के इस वीडियो पर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। लोगों ने लिखा है कि दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं, कुछ ने मजे भी लिए हैं और कहा भाई की बीवी और आराध्या का फोरहेड इस जन्म में नहीं दिखने वाला है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है, यह वीडियो किसी की शरारत है जिसने दोनों के अलग अलग वीडियो को एडिट करके मर्ज कर दिया है और ये एकदम रियल लग रहा है। यानी कि ऐसी कोई भी मोमेंट को कैप्चर नहीं किया गया है जिसमें सलमान और ऐश्वर्या और आराध्या एक साथ हो, बल्कि सलमान के विजुअल्स को लेकर ऐश्वर्या और आराध्या के साथ मर्ज करके इसे ऐसी एडिटिंग की गई है कि ये बिल्कुल रियल लग रहा है। कई लोग इस वीडियो को देखकर एडिट करने वाले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि सलमान खान ने एनएमएसीसी इवेंट में शाहरुख खान की फैमिली गौरी, सुहाना और आर्यन खान के साथ पोज दिया था और ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ। वहीं ऐश्वर्या ने केवल अपनी बेटी आराध्या के साथ ही पोज दिया था। इन्हीं वीडियो को वहां एडिट करके इसे वायरल कर दिया गया है। एक वक्त था जब सलमान खान और बॉलीवुड की खूबसूरत रोमांटिक जोड़ी में से एक थी सलमान और ऐश्वर्या की जोड़ी, लेकिन करीब 2 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिलहाल आप बताएं इस एडिटिंग पर आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में।